नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तरी अमेरिका में बसे हुए एक बेहद खूबसूरत देश कनाडा के बारे में बताने वाले हैं। कनाडा का बॉर्डर दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलता है। 99,70,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह देश रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी 3,60,00,000 के आसपास है, जिसमें 67% ख्रिस्टान, 3.2% मुस्लिम और 1.4% लोग हिंदू है। इसके अलावा कनाडा में 1.4% लोग सिख भी है, जो कि इंडिया के पंजाब प्रदेश से आए हुए हैं। दोस्तों, भारत से कनाडा का एक खास रिश्ता है। कनाडा में पंजाब की झलक साफ साफ दिखती है। भारत और कनाडा का ये रिश्ता काफ़ी पुराना है। हर साल भारत से करीब 30,000 लोग कनाडा जाके बस जाते हैं। दोस्तों, कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा और यहाँ की सबसे बड़ी शहर टोरंटो है, जो दुनिया भर में काफ़ी फेमस सिटी माना जाता है। कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर है। एक कनाडियन डॉलर भारत के 60 रुपया के बराबर होता है। कनाडा दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ की ज़्यादातर आबादी, करीब 84% आबादी, शहरी इलाका में बास करते हैं और यहाँ पे बसे हुए ज़्यादातर शहर दक्षिणी भाग में वर्तमान है। इसकी बड़ी वजह उत्तरी भाग बर्फ़ के चादर में ढका हुआ रहता है, जहाँ इंसानों का जीना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, कनाडा के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कनाडा काफ़ी अच्छा देश है। सिर्फ यही नहीं, कनाडा दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा शांति प्रिय देश है। इस देश को सबसे ज़्यादा वेल एडुकेटेड देश भी माना जाता है। यहाँ के 92% लोग के पास कॉलेज डिग्री होती है। पढ़ाई की मान काफ़ी एडवांस होती है। दोस्तों, कनाडा देश को झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश पर बहुत सारे झील मौजूद है। इस देश को प्राकृतिक तेल और यूरेनियम का भंडार भी बोला जाता है। दोस्तों, क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस खेल का शुरुआत कनाडा देश में ही शुरू हुआ था। दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर कनाडा और अमेरिका के बीच में है, जो कि 8,891 किलोमीटर लंबा तक फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कनाडा देश का पानी मिनरल वाटर से भी ज़्यादा साफ है और दुनिया का 20% पानी सिर्फ कनाडा के झीलों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको उड़ने का मन करता है तो आप कनाडा चले जाइए, क्योंकि इस देश की कुछ हिस्से में ग्रेविटी लेवल काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको हवा में उड़ने का अनुभव भी हो सकता है। दोस्तों, कनाडा देश का 40% हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है। एक एक जंगल इतना बड़ा है जिसमें कई सारे जंगल समा सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि अमेरिका ने कनाडा पर अपने पूरे जीवन काल में 2 बार हमला किया है और दोनों बार 1775 और 1812 में अमेरिका की हार हुई। दोस्तों, कनाडा में चूहे का मालिक बनना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर चूहा पालने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। कनाडा में जिंदा चूहा बेचना या मारना एक बड़ा गैर कानूनी काम माना जाता है। दोस्तों, क्या आप पार्क में घूमने जाना पसंद करते हैं? तब तो आपको कनाडा देश बेहद पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ की नेशनल पार्क इतनी बड़ी है जो स्विट्जरलैंड जैसे देश इसमें बस सकते हैं। कनाडा के पास दुनिया का 3रा सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है, जिसके चलते ये देश काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो रहा है। दोस्तों, यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ के समंदर का पानी भी जम जाते हैं और वहाँ के लोग वहाँ पर आइस हॉकी का मज़ा लेते हैं। आज का दिन में काफ़ी लोग कनाडा जाना चाहते हैं, काम से हो या घूमने, क्योंकि वहाँ की रहन सहन और प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।